रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी, वेलकम टू दिस परफेक्ट हैप्पी वन आवर ऑफ माय लाइफ। देखिए, गिनी की लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मुझे किताबें पढ़नी बहुत अच्छी लगती हैं। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत सारी किताबें होती हैं। हर हफ्ते मैं अपनी लाइब्रेरी से एक किताब लेकर आती हूं, आपके साथ उसके कैरेक्टर्स को शेयर करती हूं, उसके किरदारों के बारे में बताती हूं और बताती हूं कि मुझे वो किताब कैसी लगी। और कहीं ना कहीं होप करती रहती हूं कि क्या पता ये आपकी जिंदगी की वो पहली किताब हो। इस हफ्ते मैं एक हिंदी किताब लेकर आई, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मेल लिख के कहते हैं गिनी व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इंडियन ऑथर्स, हिंदी की किताबें। तो मैंने कुछ हिंदी की किताबों की बात करी तो लोगों ने लिखा और बोला कि ये तो बहुत सीरियस किताबें हो गई, कुछ फन हिंदी की किताबें भी तो होनी चाहिए। तो फिर मैं गई, इस पूरे हफ्ते रिसर्च करी और एक किताब उठा के लाई जिसके बारे में काफी चर्चा है मार्केट में। इसका नाम है मुसाफिर कैफे। मुसाफिर कैफे ही है ना जी, मुसाफिर कैफे है इसका नाम। दिव्या प्रकाश दुबे ने लिखी है ये किताब। एंड इंटरेस्टिंगली वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम हिंदी बुक्स हैज बीन गुनाहों का देवता, जिसकी कहानी मैंने बहुत बार आपको गिनी की लाइब्रेरी में सुनाई है। उसकी कहानी के जो दो मेन किरदार हैं, उनका नाम है सुधा और चंदर। दिव्या ने भी यही किया है, अपनी कहानी के भी दोनों किरदारों का नाम सुधा और चंदर दिया है। उन्होंने शुरुआत में इस कहानी के लिखा है कि धर्मवीर भारती की जो कहानी है गुनाहों का देवता, इस कहानी से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट ही रियली लव्स द स्टोरी एंड दिस इज हिज वे ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट टू धर्मवीर भारती, कि उन्होंने उनके किरदारों के नाम पे ही अपने किरदारों के नाम रखे। अब जितने कॉम्प्लिकेटेड सुधा और चंदर इनिशियली गुनाहों के देवता में थे, इस नई किताब मुसाफिर कैफे में भी वो इतने ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। बहुत सारी भूमिका बांधी। चलिए आपको कहानी सुनाती हूँ मुसाफिर कैफे की। कहानी सुनाने से पहले ना, आज मैंने डिसाइड करा है कि इस किताब की जो फर्स्ट पैरा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। हम पहले कभी मिले हैं, सुधा ने बच्चों जैसी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। शायद? शायद कहाँ, मैंने पूछा। सुधा बोली, हो सकता है किसी किताब में मिले हो। अरे, लोग कॉलेज में, ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, लिफ्ट में, होटल में, कैफे में, तमाम जगहों पर कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन किताब में कोई कैसे मिल सकता है, मैंने पूछा। इस बार मेरी बात काटते हुए सुधा बोली, दो मिनट के लिए मान लीजिए हम किसी ऐसी किताब के किरदार हैं जो अभी तक लिखी ही नहीं गई हो। तो ये सुनकर मैंने चाय के कप से एक लंबी चुस्की ली और कहा, मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। ऐसी शुरुआत होती है मुसाफिर कैफे की। तो आज गिनी की लाइब्रेरी में रेडियो सिटी पर हम बात कर रहे हैं मुसाफिर कैफे की। बेसिकली कहानी है चंदर की, जो एक इंजीनियर है, थोड़ा सा सीरियस है, लाइफ को जैसे आ रही है वैसे लिए जा रहा है। 30 साल की उम्र है, माँ बाप चाहते हैं चंदर शादी कर ले, चंदर अकेला बॉम्बे में रहता है। एक दिन माँ बाप का मैसेज आता है, इस कॉफी शॉप में जाना और इस लड़की से मिल लेना, वो अकेले आएगी। चंदर को पता है कोई लड़की अकेले तो आती नहीं है, या उसका भाई आता है, या उसके दोस्त आते हैं, या उसका इरिटेटिंग कोई फैमिली मेंबर आता है। खैर, माँ बाप ने बोला है तो वो चला जाता है। कॉफी शॉप में जाता है तो उसे वो लड़की नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो टाइम से पहले पहुंच गया है। तो वो एक कॉफी लेकर साइड पे खड़ा हो जाता है। सडनली उसके कानों में एक आवाज आती है, एक लड़का लड़की जोर जोर से बात कर रहे होते हैं, और वो लड़की उस लड़के को कह रही होती है, मुझे इंजीनियर पसंद ही नहीं है, तुम लोग बड़े लीनियर टाइप होते हो, तुम्हें ये होता है, तुम्हें वो होता है, मैं तो बहुत खुले दिल की लड़की हूँ, मैं ऐसे नहीं जी सकती। बेसिकली उसे सुनाई देता है कि एक लड़की एक लड़के को डिसुएड कर रही है, बेसिकली बोल रही है कि नहीं नहीं तुम मुझसे शादी मत करो। चंदन मुस्कुराता है, सोचता है ये लड़की बड़ी पागल सी है। एनीवे, लड़का लड़की लड़ाई करके चले जाते हैं। कुछ देर में चंदर के पास मैसेज आता है उसी लड़की का जिसे उसे अकेले मिलना होता है, और वो लिखती है कि मैं कैफे में हूँ। चंदर लिखता है, मैं भी कैफे में हूँ। एंड ही सडनली रियलाइजेस कि ओ माय गॉड, जिस लड़की से मुझे मिलना है वो तो यही है। वो जाके उसे कहता है हाय, कहती है हाय, कहते मैं आपकी बातें सुन रहा था और मुझे पता है कि आपको इंजीनियर से सख्त नफरत है। आई एम सॉरी, आई एम एन इंजीनियर, मैं चला जाऊं क्या? कहती है नहीं, अब जो मैं पता ही है कि हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है तो बैठ के आराम से बैठो और कॉफी पीते हैं। ऐसे शुरू होती है सुधा और चंदर की बातें। बड़ी अजीब बातें करते हैं दोनों। लाइक दिखाया गया है कि बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही आज के जमाने के हैं, पर मुझे बड़े रैंडम लगे। सुधा जो कि एक लॉयर है, डिवोर्स केसेस लड़ती है, हैज कम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि वो चंदर से मिलने के लिए तैयार क्यों होती है, पर वो मिल लेती है, वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शी सेज, मुझे शादी वादी नहीं करनी है तो हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ही सेज ओके। रैंडमली सुधा उससे बातें करती है, रैंडमली एक दिन उसे फोन करके रात को कहती है कि सुन, मेरी लड़ाई हो गई है मेरे रूममेट से, मैं आ रही हूँ तेरे घर, और उसके घर आ जाती है। उसके घर आके रहती है, वो बेचारा वन बेडरूम फ्लैट में बॉम्बे में रहता है, वो ड्राइंग रूम में सोता है, वो बेडरूम में सोती है। अगले दिन उठ के कहती है, मैं सोच रही हूँ यहीं मूव इन कर जाऊं। ऐसी है सुधा और चंदर की कहानी इस किताब में, जिसका नाम है मुसाफिर कैफे। बड़ी सारी कॉन्वर्सेशन है, बड़ी सारी मॉडर्न आजकल की बातें,
ऑल्सो जिस हिसाब से दिव्या ने किताब लिखी है, इट्स गॉट अ लॉट ऑफ हिंदी विच इज वेरी इजिली अंडरस्टैंडेबल, प्लस बीच बीच में अंग्रेजी भी है. तो जैसे हमारी बोलचाल की इंग्लिश वाली लैंग्वेज है ना, उसी में उन्होंने लिखा है. तो ऐसे बढ़ रही है मुसाफिर काफे की कहानी. चंदन एक बहुत सीरियस 30-year-old है, जिसकी अभी अभी ऑफिस में प्रमोशन हुई है, वो एवीपी बन चुका है. सुधा एक लॉयर है जो अपने टर्म्स पे जिंदगी जीना चाहते हैं, उसका शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. कई बार शराब पीती है, कई बार सिगरेट पीती है, चंदन की जिंदगी का खूब मजाक उड़ाती है. जब रोने का मन करता है तो खुल के रोती है. चंदन को सुधा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है और बहुत सिंपल भी लगती है. उसे सुधा से बहुत प्यार हो चुका होता है, बड़ी मोहब्बत हो गई होती है. सुधा को भी चंदन अच्छा लगता है और चंदन अब उस स्टेज पे पहुंच गया है वह ही लाइक लुक आई एम 30 एम एवीपी, तुम हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम शादी क्यों नहीं करें. एंड सुधा लाइक बिकॉज जैसे ही तुम शादी करोगे सब कुछ खराब हो जाएगा. एंड ही लाइक पर क्यों खराब होगा. तो सुधा एक दिन चंदन से पूछते कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहता है. ही लाइक कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा हमारे बीच में, सिर्फ हमारे माँ बाप और समाज के लिए. तो शी सेज मैं तेरे माँ बाप और समाज के लिए ऐसा क्यों करूँ. बिकॉज आई रियली थिंक कि जैसे ही एक रिश्ते को आप शादी के बंधन में बांध देते हो, कहीं ना कहीं वो रिश्ता और उसका इम्पल्स, उसकी एक्साइटमेंट, उसकी हैप्पीनेस उड़ जाती है. इसी बात पे हमेशा इन दोनों की लड़ाई होती रहती है. और एक दिन चंदन को बड़ा गुस्सा आता है किसी बात पर और वो कहता है कि शादी कर नहीं तो तू निकल जाए यहाँ से. सुधा कहती पागल हो गया क्या, मैं नहीं कर रही शादी. ही सेज तो फिर तू आज ही रात को निकल जा. शी सेज मैं नहीं कहीं जा रही. ही सेज नहीं, जाना तो तुझे पड़ेगा या फिर मुझसे शादी कर. इस बात पे ना, इस सिचुएशन में ना दिव्या कुमार ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन लिखी है, जिसपे उन्होंने लिखा है कि जिन लोगों को कभी कभी गुस्सा आता है, उनको जब गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते. इसलिए थोड़ा थोड़ा गुस्सा हमेशा जिंदगी में करते रहना चाहिए. रिश्तों और जिंदगी को चलाने के लिए ये अच्छा रहता है. इट्स एक्चुअली ट्रू अबाउट लाइफ, इट्स ट्रू अबाउट सुधा एंड चंदन. सुधा चली जाती है, चंदन भी गुस्से में चला जाता है और सुधा से नहीं मिलता. फिर चंदन को पता चलता है कि सुधा प्रेग्नेंट है. And he's very happy about it. उसे लगता है कि अब तो शादी कर ही लेते हैं. सुधा फिर मना करती है और चंदन को इस बार इतना गुस्सा आता है कि वो सब छोड़ छाड़ कर एक हिल स्टेशन चला जाता है. सुधा 3 महीने प्रेग्नेंट है. चंदन को पता है कि उसे उसके साथ रहना चाहिए, पर वो फिर भी चला जाता है. अब इस पॉइंट पे ना मेरी किताब से थोड़ी सी बहस हो गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि चंदन ऐसा क्यों कर रहा है. अभी तक चंदन वाज शोन एज अ पर्सन जो बहुत प्यार करता है, जिसमें बहुत कंट्रोल है, बहुत डिसिप्लिन्ड है. वो इंसान ऐसे टूट के क्यों आगे चला जाता है मुझे नहीं समझ आया. मुझे लगा ओवर मॉडर्नाइजेशन हो गया. पर खैर, इस कहानी में क्या होता है, एक नया कैरेक्टर एंटर करता है, उसके बारे में आपको बताती हूँ कुछ ही देर में यही रेडियो सिटी पर इन गिनी की लाइब्रेरी. कैसी लग रही आपको मुसाफिर काफे की कहानी, मुझे अभी बताओ ना ऑनलाइन @rjgini इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक या फिर rjgini@gmail.com पर. चंदन ने उसे फिर से पूछा कि तू शादी करेगी. शी सेड नो. वो चला गया पहाड़ों की तरफ. पहाड़ों में जाता है, एक रैंडम लड़की से मिलता है जिसका नाम है पम्मी. पम्मी अपना खुद का एक टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करती है और एक कैफे खोलना चाहती है. और इंसिडेंटली यही चंदन का भी सपना बचपन से होता है कि उसके पास एक कैफे होना चाहिए जहां लोग आए, किताबें पढ़ें, एंड यू नो दे आर जस्ट चिलिंग, दे आर जस्ट बींग. जो हम सबका सपना एट सम पॉइंट ऑफ द अदर होता है. कईयों का होता है कि मैं एक कैफे पहाड़ में खोलूं, कईयों का होता है कि मैं एक कैफे गोवा के बीचेस पे खोलूं, और कईयों का होता है कि एक छोटे से गांव के पास खोलूं जहां लोग आए, गिटार बजाएं, किताबें पढ़ें, चाय पिएं, मैगी खाएं. आपका भी सपना है ना. चंदन का भी और पम्मी का भी यही सपना होता है. एंड दे सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेट. अब क्या होता है, चंदन, सुधा और पम्मी के बीच में इन थ्रीसम की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, क्या सुधा और चंदन मिलते हैं, वेल आई एम नॉट गोना टेल यू ऑल ऑफ दैट, बिकॉज अगर मैंने आपको बता दिया तो फिर इस शो का मतलब ही क्या रहा, आप किताब ही नहीं उठाओगे. तो प्लीज गो पिक दिस बुक अप. आई थिंक 150 रुपए की किताब है, हर जगह बड़े इजिली अवेलेबल है, ऑनलाइन एक्सेट्रा. आई रियली वुड लाइक यू टू रीड इट बिकॉज इट्स एन ईजी रीड. इज इट ब्रिलियंट? नो. इज इट ग्रेट लिटरेचर? नो. पर इज इट अ फास्ट रीड कि आप एक बार बैठोगे और अगले 4 घंटे में खत्म कर लोगे? एब्सोल्युटली. तो अगर आपने आज तक हिंदी किताबें नहीं पढ़ी हैं, दिस कुड बी अ गुड थिंग. अगर हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज एंड यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन इट, दिस इज अ गुड बुक. गो अहेड, पिक इट अप. किताब का नाम मुसाफिर कैफे, हमारा नाम गिनी, ये है रेडियो सिटी. इवन इफ यू आर अपसेट विद मी कि यार बता तो दे कि वो मिले या नहीं मिले. क्यों बताऊं यार, नहीं, वो नहीं बता सकती मैं. हाँ, अगर आप मुझे मेल लिखते हो तो मैं बता सकती हूँ. rjgini@gmail.com. आई एम होपिंग दैट द बुक रिकमेंडेशन कम्स फ्रॉम यू, बिकॉज बहुत सारी किताबें जो शायद आपको बड़ी अच्छी लगी होंगी, मुझे बताइए ना. आई लव टू रीड देम एंड शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दोस. यही रेडियो सिटी पर. हैव अ ग्रेट वीक माय लव, एटलीस्ट व्हाट्स लेफ्ट ऑफ इट.